लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के तहत शनिवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सातवें चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पटना के एक मतदान केंद्र पर वोट किया। तेजस्वी ने इस दौरान कहा कि किस तरह के एग्जिट पोल और किसके एग्जिट पोल पर विश्वास करना चाहिए, ये बहुत सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं, हमें 4 जून का इंतजार करना चाहिए। मिर्जापुर में सुबह 9 बजे तक 12.94% मतदान हो चुका है। रॉबर्ट्सगंज मतदान में पीछे चल रहा है। वाराणसी में 12% मतदान हो चुका है। शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अभी कम है। गोरखपुर में सीएम योगी ने वोट किया। वोट करने के बाद मतदाताओं को संबोधित किया, कहा कि आज अंतिम चरण का चुनाव है। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। देश में बीजेपी को भारी समर्थन मिल रहा है। 4 जून को फैसला आएगा और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में बिना मानकों के धड़ल्ले से चल रहे अस्पताल और नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी की भनक लगते ही झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया और इस दौरान कुछ डॉक्टर अपनी दुकानें बंद कर फरार होने में भी कामयाब रहे। पौड़ी में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी है। ताजा मामला बैंक ऑफ बड़ौदा व सीएमओ ऑफिस के समीप जंगल में लगी अचानक आग का है, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल फायर को दी, लेकिन इस दौरान आग की लपटें इतनी तेजी से फैल गई कि आवासीय कॉलोनी और सरकारी विभागों तक पहुँच गई, जिससे आस पास रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। जान जोखिम में डालकर बच्चे आग बुझाने में जुटे। आकाश में छाए काले धुएं का गुबार, जहरीले धुएं से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। फतेहपुर में जमीनी विवाद के चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक के शव को गांव के बाहर फेंक कर दबंग फरार हो गए। गांव के लोगों ने मृतक के परिवार को घटना की जानकारी दी। जब तक परिवारजन मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी हथियारे भाग चुके थे। परिजनों ने 112 के जरिए पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जाँच में जुट गई है। उन्नाव में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। शोरूमा उठाने क्षेत्र के बेगम खेड़ा गांव का रहने वाला युवक गांव के बाहर बने घर में अकेला रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर में रेल बाजार थाना पुलिस ने उन्नाव जा रहे 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि राजू और अंकित को NDPC एक्ट के तहत 24 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों को ट्रॉले सूट केस में गांजा भरकर तस्करी के उद्देश्य से उन्नाव जा रहे थे। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में बीती 16 मई को सरोजनी नगर निवासी महिला के साथ खोया मंडी चौराहे पर दुबदमाश द्वारा महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर कानपुर पुलिस ने 3 टीमें गठित कर कानपुर शहर में लगे CCTV कैमरों की मदद से मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।